कुछ घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती, उनका असर लंबे वक्त तक समाज पर पड़ता है। और कुछ घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती, बल्कि वो समाज में क्या पनप रहा है इसकी वानगी बनती है। इंदौर, छतरपुर और भोपाल, जगह अलग अलग जरूर, लेकिन यहां से आई खबरों ने पूरी इंसानी जमात के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। वो जिनसे पहचान है, वो जिनसे नाम है, वो जिनकी वजह से अस्तित्व टिका है, वो होते हैं माता पिता। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता, जिन्होंने जन्म दिया, हमारा पालन किया, शिक्षा दी, लायक बनाया। पिता जो सलीका सिखाता है, फर्ज निभाता है, बच्चों की खुशियों के वास्ते खुद को खपाता है, जो बाहर से सख्त है पर बच्चों के आंसू देखकर खुद टूट जाता है। तो वही माँ, वो जो औलाद के लिए नींद गवाती है फिर भी मुस्कुराती है, ममता प्यार दुलार लुटाती है, जीवन खपाती है, जिसका आंचल दुनिया की सबसे महफूज जगह, जो बच्चों के वास्ते भगवान से भी लड़ जाती है, फिर भी क्यों क्यों होता है ऐसा, क्यों दिखती हैं ये तस्वीरें? कलेजा कांप जाए, खून खौल जाए, गुस्सा उबल पड़े, ऐसी हैं ये तस्वीरें। जिसके कदमों में जन्नत है, जिससे पूरी कायनात है, जो हर बच्चे के लिए ईश्वर का रूप साक्षात है, आखिर कैसे उस साक्षात ईश्वर पर लात थप्पड़ और लठ बरसाने का महापाप किया जा सकता है, वो महापाप जिसे देख भगवान भी रोता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कितना वक्त हुआ होगा, ज्यादा नहीं, यादें भी धुंधली नहीं पड़ी होंगी। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे कहते हुए लव यू मॉम, लव यू डैड का स्टेटस आपने भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर चमकीली तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन इन तस्वीरों के उलट इंदौर, छतरपुर, भोपाल से जो खबर आई वो खून खौलाती है। इस वीडियो में पीट रही है माँ है, पीट रहा बेटा है, देख रही बहू है, पापा को समझा रही पोती है। इंदौर के चंदन नगर के वीडियो को देख खून खौल गया, क्या औलाद ऐसी होती? कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं होती। इस वीडियो के सामने आने के बाद भी यही हुआ, माँ को लात मारने वाले, पोते पोतियों के सामने थप्पड़ जड़ने वाले बेटे को माँ ने माफ कर दिया, क्योंकि वो माँ जुट है। नशे में बेटा भले ही भूल गया कि सामने खड़ी औरत से ही उसका अस्तित्व है, उसी ने उसे जन्म दिया है, वो उसकी माँ है, लेकिन पिटने के बावजूद भी माँ ये नहीं भूली कि पीटने वाला उसकी ही औलाद है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। शाम को वो जो दारू पी आया था, बोले अम्मा तूने छोड़ा ना देना था, उनका बेटा मैं ऊपर से आ रही जब तक मैं क्या करूं, तो उसने दो चाटा मार दिया गलती, सुबह होके उनने माफी भी मांग ली। किसने मारा आपको? बेटा ही ने छोटे मार दी, उनने नशे में था। ये दूसरी तस्वीर, हाथ में लठ और सिर पर खून सवार, आगे आगे दौड़ती जान बचाती माँ, पीछे दौड़ता लठ बरसाता कपूत, जो जान लेने पर आमदा। घटना छतरपुर के गौरीहार थाना इलाके की, जहां आपसी विवाद को लेकर मां की ही जान लेने पर आमदा हो गया ये युवक। गनीमत रही कि लोगों ने महिला को बचा लिया। दोनों मामलों में पूत कपूत बन गए, मां पर ही टूट पड़े। लेकिन भोपाल के अरेला कॉलोनी में तो बेटी ही मां बाप पर बेरहम हो गई। हाई प्रोफाइल फैमिली में करोड़ों की संपत्ति की भूखी बेटी ने ऐसा रंग दिखाया कि माँ बाप असहाय हो गए। प्रॉपर्टी के लिए 3 महीने तक माँ बाप को बंधक बनाया और मारपीट तक की। नाती भी नाना नानी को चप्पलों, क्रिकेट बैट और डंडों से पीटते रहे। गनीमत रही कि पड़ोसी ने
पुलिस को खबर कर दी और तब जाकर दोनों को पुलिस ने आजाद कराया, अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने और उसके बेटे ने आपके साथ 4 महीने तक मारपीट की है? 4 से ज्यादा ही हुआ। अच्छा। 4 से ज्यादा ही हुआ, लेकिन ये कि अब बर्दाश्त करके तो जो अभी तक समझ में आया वो कि विवाद केवल मकान संबंधी होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सब मारा, गला घोटा है हमारा, और हाथ में भी ये देख, ये माता जी के हाथ में भी चोट निशान है। मारती थी लोहे से, डंडे से, चप्पलों से, जूतों से, डंडा पुलिस का चुरा लिया था, कान जला लेती, गर्म पानी लेके डाल देती थी हमारे ऊपर। ऐसा क्यों, अब क्या बताएं क्यों, वो सारे पैसे का झंझट था। तो झकझोर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर आप तय करें, आप जवाब खोजें, क्यों औलादें भूल जाती हैं अपने माँ बाप का त्याग, उनकी तपस्या, उनका दिया प्यार, क्यों भूल जाती हैं औलाद कि वो जिस दुनिया में खड़ी हैं, उस दुनिया में लाने वाले माँ बाप ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।